Myself Anjali Motlani, student of interior designing. This exhibition is all about Concept 2019. Here there are some stalls and each carries a particular theme. Like there are casino, illusions and others. Myself Fatima Aziz. ये हमने एक illusion का stall लगाया है. इसमें हमने एक product बनाया है अपना. ये एक रूम बनाया हमने. इसमें इल्यूजन हम कैसे दिखा सकते हैं एक रूम में प्ले करके, हमने वो चीज़ दिखाई है. जैसे यहाँ पे अभी वर्टिकल लाइंस लगी है, तो जब अगर हमारी सीलिंग छोटी होती है तो हम वर्टिकल लाइन से कैसे प्ले करके हम अपनी सीलिंग को बड़ी दिखा सकते हैं, हमने ये उसमें शो करने की. अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से प्ले करते अपने रूम के अंदर तो हमारा जो रूम होता है वो बड़ा दिखने लगता है, उसकी विड्थ बड़ी हो गई ऐसा दिखता है. जब हम अगर लाइट कलर से प्ले करते हैं तो हमारा रूम हमको बड़ा दिखने लगता है. वैसे ही जब हम डार्क कलर से प्ले करते हैं तो हमें अपना रूम छोटा दिखने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट लगता है. हाँ, जैसे कि ये हमारा इल्यूजन है, ये हमारा एक मॉडल है रूम का. एक पर्सन खड़ा हुआ है वो कि एक कॉर्नर पे है जो कि आपको बड़ा लगेगा, और दूसरे कॉर्नर पे एक पर्सन खड़ा है वो आपको छोटा लगेगा. वैसे ही वो एक्सचेंज करने पे सेम पर्सन दूसरी जगह पे जाने से डिफरेंट लगेगा. जैसे कि आपने देखा कि एक कॉर्नर पे जो इंसान बड़ा था वो अब छोटा हो गया है, और जो कॉर्नर पे इंसान छोटा दिख रहा था वो बड़ा हो गया है. इल्यूजन इसमें बनाया है, जैसे हम लोग ने खाली बॉल्स को फोकस करा, लाइट को, बॉल को फोकस किया लाइट से, ताकि इसे पता चला कि इफेक्ट पता चलेगा कि इल्यूजन में लाइट कैसे इफेक्ट करती है. वी आर FD स्टूडेंट, और हम लोग ने सिल्वर्स थीम के ऊपर काम किया है. अलग अलग जो शेप्स रहते हैं बॉडी के, उस हिसाब से हमने आउट ऑफ बॉक्स जाके गारमेंट डिज़ाइन किए. सेप हम लोग का सिल्वर्स है. सिल्वर्स मतलब होता है आउटलाइन ऑफ द ड्रेस. अलग अलग जो बॉडी के शेप्स होते हैं उसको लेके हम लोग ने ड्रेस डिज़ाइन की है. थीम है ऑप्टिकल इल्यूजन. जो आँखों का भ्रम होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन. एक्चुअली आप अगर किसी भी फैब्रिक को देखेंगे या फिर किसी भी चीज़ को देखेंगे, जो आपका आँख जो इधर से उधर नाचता है उसको हम बोलते हैं इल्यूजन, जो कि हमारे ड्रेसेस में दिख सकता है आप लोगों को. सो बेसिकली इस पूरे स्टॉल का कंसेप्ट है यूनिसेक्स. यूनिसेक्स बेसिकली होता है वो गारमेंट्स जो मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं. बेसिकली उसमें कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं होती कि ये सिर्फ मेल पहनेगा या सिर्फ फीमेल पहनेगा. सो बेसिकली यूनिसेक्स हमारे इसका हम लोगों ने नाम रखा है द जंबल. द जंबल यानी जो पूरा मैश्ड हो, यानी हम उसमें बता नहीं सकते कि ये सिर्फ लड़कों का है या ये सिर्फ लड़कियों का है. सो बेसिकली आप यहाँ जितने ड्रेसेस देख रहे हो सबको किसी ना किसी तरीके से मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं. इसमें कई गारमेंट्स न्यूली स्टिच्ड हैं एंड कुछ गारमेंट्स जो रिक्रिएटेड है, कुछ तरीके से उसको रिक्रिएट किया गया है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पुराने कुर्ते पे जीन्स को हम लोगों ने प्रिंट किया है. एंड बेसिकली जो कुर्ताज रहते हैं वो लड़कियाँ भी पहनती हैं, लड़के भी पहनते हैं. लेकिन हम इसी में अगर साइड सीम्स को थोड़ा स्टिच करवा देंगे एंड ये गर्ल की फिटिंग का हो जाएगा. एंड इसके साइड सीम्स खुले हुए हैं तो ये मेल की फिटिंग का हो गया है. एंड जैसे वो है, दैट्स अ प्लाजो पैंट्स काइंड ऑफ विद अ सस्पेंडेड लाइन. तो बेसिकली आज के टाइम पे गर्ल्स बहुत पहन रही है. इमेज क्लासिक. क्लासिक इज समथिंग विच नेवर गोज आउट ऑफ अ स्टाइल, सो वी वर्क ऑन दिस थीम. हियर इज द डिजाइनर्स फोटो विद सम कोट्स एंड देयर डिजाइन. And the fabric comes into classic are stripes, sacks, and fabrics are denim, satin. So we use that fabrics and hand embroidered stuffs.